धर्मपुरी ब्लॉक में इन दिनों लगातार हो रही आंधी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। अब तो आलम यह है कि आंधी और बारिश जान पर भी आफत बना रही है। बुधवार को भगवानी पंचायत में तालाबपुरा गांव में आंधी तूफान से गांव के कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए। इससे कई फलदार पेड़ भी गिरे हैं। मकान गिरने से झबर सिंह सिंगारे का परिवार बाल बाल बच गया। आंधी तूफान से गिरे मकान का जायजा लेने सामाजिक कार्यकर्ता और सरपंच पद के उम्मीदवार अनिल सिंगोरे उनकी टीम के साथ पहुँचे। धर्मपुरी से सुनील वास्कल की रिपोर्ट। सर, यहाँ पर आप लोग क्यों एकत्रित हुए? देखिए, ये ग्राम पंचायत भगवानिया के मजरा गांव तलापुरा की स्थिति है, जिसमें आज बारिश के कारण यहाँ तलावपुरा में नाम क्या है, जबर सिंह काका के यहाँ, ये तलावपुरा गांव है, तलावपुरा में जबर सिंह काका के यहाँ हवा आंधी और बारिश के कारण इनका घर पूरी तरह से टूट गया है। आप लोग देख सकते हैं, इनकी जो घर की स्थिति है वास्तव में बहुत खराब है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, बच्चे इनके छोटे छोटे हैं और अभी घर बिल्कुल बुरी तरह से टूट गया है। हमको जैसे ही पता चला, मैं अभी फिलहाल सरपंच की इस बार न्यू में उम्मीदवारी कर रहा हूं और मैं यही चाहता हूं कि ग्रामीणों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ूं और ऐसे ये जो घर हमारे ग्रामीणों के साथ में धोखे के साथ में ऐसे हवा आंधी में जो उड़ रहे हैं उनको उनकी आवास योजना दिलवा सकूं। तो सर, ये भगवान पंचायत में तलापुरा मांजरा करके गांव है, उसके अंतर्गत आता है और ये जबर सिंह पिता भानु, हाँ, इसका मकान आज बरसात के कारण हवा आंधी के कारण टूट गए हैं सर। हाँ, तो इसमें घर की व्यवस्था की जाए, मतलब इसको रहने की व्यवस्था की जाए। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।